लिया। आप लोगों ने देखा कि चुंबक के प्रभाव से डायनामो ही काम करता है। यदि डायनामो में चुंबक न हो तो डायनामो से निकलने वाला करंट कभी डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है। अतः यहाँ आप लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर में लगने वाली चार पत्तियों को मैंने ज्वाइंट करके 30 नंबर तार के करीब 1000 राउंड ऊपर लगा दिए और इसके ऊपर एक 3 वाट 5 वाट 8 वाट तक का एलईडी बल्ब लगा दो। ये एलईडी बल्ब एक्सटेंशन एलईडी है जो एलईडी एक्सटेंशन करता है, लाइट को उत्सर्जन करता है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक 12 वोल्ट की मोटर के ऊपर एक पनडुब्बी में ख़राब निकलने वाली मैग्नेट को ऊपर से सेट कर दिया। ये जो आप मैग्नेट देख रहे हो, ये पनडुब्बी में निकलने वाली यानी ख़राब पनडुब्बियों से निकलने वाली एक मैग्नेट, इसको हमने 12 वोल्ट की शाफ्ट में एक टेप लगा के इसको हमने फिट कर दिया। इसके बाद में जैसे ही हम इस 12 वोल्ट की मोटर को डीसी करंट देते हैं और इसमें इतनी तेज़ी से आरपीएम बनने लगते हैं और ये हमारी मैग्नेट घूमने लगती है। इसके बाद जिस पत्तियों पर मैंने तार लपेट कर रखा है, क्वाइल कुंडली बनाई हुई, उसको जैसे ही उस क्वाइल को हम इस मैग्नेट के पास में लाते हैं तो उस मैग्नेट से इतनी तेज़ी से मैग्नेट क्षेत्र उत्पन्न होता है कि इन पत्तियों में प्रवेश कर जाता है। अतः हमारे पत्तियों पर जो एक एलईडी 3 mm की एलईडी लगी हुई है, ये 3 mm की एलईडी 5 mm की और 8 mm तक की एलईडी को आराम से जला देगा। यदि मैं चाहूँ तो इसको रेक्टिफायर लगा के फिल्टर करके और किसी मोबाइल के चार्जर को 12 वोल्ट के चार्जर से लगा के जो डीसी चार्जर होता है तो हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अतः आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर हो रही, नमस्कार।